सो एज़ यू राइटली सेड सी ए सेल्फ काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है एंड द पास परसेंटेज इज अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट हंड्रेड स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे तो बारह से पंद्रह लोग ही पास होते हैं आउट ऑफ टाइम चार्टड अकाउंटेंसी ही कर रहे हो एंड एट दैट एज वन यू आर नाइनटीन ट्वेंटी आप नौ नौ घंटे दस दस घंटे दिन में पढ़ रहे हो और जब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो तो वो लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सी में भी वो सी में तो हमारा तो रूल ही ऐसा कि सी स्टूडेंट्स को कभी सामने से फोन करना नहीं चाहिए अगर वो पास होने वाले तो फोन करेंगे ही, ही हमें <laughs> तो अगर मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊँ तो आई हैव फ्लंगड इन द फर्स्ट फाउंडेशन इट्स ओके हाँ तो मतलब ऑफ पीपल टोल्ड मी के अगर आप फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पा रहे तो देर इज नो चांस कि आगे कर पाओ माई मेन चैलेंज एक्चुअली

उधर जाके आपने बोला सेम वन का मटेरियल दो तो वो रेडी होता है वो पूरा थप्पा निकाल के आपको दे देंगे और उसमें होता क्या है तो वो नोट्स पुराने नोट्स का जेरोक्स कोई प्रोफेसर ने कुछ लिख के दिया है उसका जेरोक्स चार साल से वही जेरोक्स जेरोक्स जेराक्स चलता ही आ रहा है चलता ही आ रहा है वेल वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सुपर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द एजे शो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जब इंडिया में हर घर में बात होती है पेरेंट्स की डिस्कशन होती है बच्चों के करियर्स को लेकर तो कुछ प्रोफेशन जो होते हैं वो जबान पे होते हैं जैसे लड़के को लड़की को इंजीनियर बनाना है डॉक्टर बनाना है और एक्सट्रेक्ट एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा उसी कड़ी में कहीं ना कहीं एक और शब्द हमें सुनाई देता है सी ए दैट इज चार्ट अकाउंटेंट एंड क्रैकिंग अ सी एग्जाम इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स टू क्रैक सो टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस वी हैव द को फाउंडर्स ऑफ विविथ्स्यू

चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो हम चैलेंजेस की बात करते हैं सबसे पहले हम एक एक लेवल वाइज करेंगे जहां तक के टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स एंड यू नो ऑल द दीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट तीन लेवल होते हैं सी फाउंडेशन सी इंटरमीडिएट एंड फाइनली जो सी ए फाइनल वाला होता है एग्जाम ठीक है चैलेंजेस क्या होते हैं अगर हम चैलेंजेस की सबसे पहले बात कर सकते हैं तो एज योर राइटली सैड सी ए इट्स सेल्फ काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है एंड द पास परसेंटेज इज अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट हंड्रेड स्टूडेंट्स एग्जाम दे तो बारह से पंद्रह लोग ही पास होते हैं आउट ऑफ दैम सो चैलेंजेज में ऑन ऑल थ्री लेवल द फर्स्ट चैलेंज विच इज़ वेरी कॉमन इज़ टाइम मैनेजमेंट टू मैनेज योर टाइम विद द मैसिव मैमथ अमाउंट ऑफ स्टडिंग इज़ वेरी वो एक वैसा है कि वो करना बहुत मुश्किल काम है तो so, जैसे फाउंडेशन की बात करें तो सी ए फाउंडेशन ट्वेल्थ के तुरंत बाद ही आ जाती yes. है तो उसमें एक ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्टूडेंट uh, ने अभी तक कोई प्रोफेशनल एग्जाम दी होती नहीं है हाँ huh. तो वो माइंडसेट चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब आप ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम्स देते हो स्कूल लेवल पे एंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड कि सडनली आप एक प्रोफेशनल uh, एग्जाम लिखे जैसे लॉ का पेपर हो गया तो एकदम वो लैंग्वेज आना अलग ट्रांजेशन आना एग्जैक्टली सो exactly. so, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फाउंडेशन लेवल पे उसके ऊपर वो फोर टू टू थ्री मंथ्स होते हैं थ्री टू फोर मंथ्स तो वो फोर मंथ्स में आपको इतना सारा पढ़ना चार सब्जेक्ट्स नया पढ़ना नए नए सब्जेक्ट्स को समझना टू गेट एंट्री इन टू द फुल वर्ल्ड ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी की कैसे आगे आएगा सो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज ओवर गैर देन एज सुन एज आपका फाउंडेशन हो गया फिर आता है सी इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट में यू हैव अराउंड नाइन मंथ्स ऑफ स्टडिंग सबसे मेजर प्रॉब्लम अगेन टाइम विद इन नाइन मंथ्स आपको छः सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसमें आपको क्लासेस के साथ आपका सेल्फ स्टडी भी करना है जस्ट yes. तो क्लासेज ही हमारे होते हैं अराउंड सिक्स सेवन आर्स एवरी डे नॉन स्टॉप फॉर नाइन मंथस तो वो उस चक्कर में नौ घंटे आप क्लास में जाके बैठ के पढ़ो फिर उसको घर आके वापस अपना खुद से रिवाइज करो समझो करो तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और टू बी ऑनेस्ट ये कंसेप्ट uh, है ना फोमो दैट इज ऑल्सो वेरी एप्लीकेबल टू द करंट जनरेट जब आप चार्ट अकाउंटेंसी कर रहे हो एंड एट दैट एज वन यू आर नाइनटीन ट्वेंटी आप नौ नौ घंटे दस दस घंटे दिन में पढ़ रहे हो और जब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो तो वो लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सो इट नो बट ई टॉक्स अबाउट दिस बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग प्रॉब्लम क्योंकि वो स्टूडेंट्स को वो माइंड सेट में बैठना कि भाई हमें तो पढ़ना है बिकॉज हमने सी ए चूज़ किया है जबकि उनके फ्रेंड्स को चोर कर रहे हैं उनको कॉलेज सिर्फ तीन चार घंटे जाना है फोर फाइस एंजॉय तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर मतलब एक माइंड uh, ब्लॉक होता है टू ओवरकम दैट एंड देन वंस यू आर वंस यू क्लियर आर सी ए इंटरमीडिएट देन कम सी ए फाइनल एंड फाइनल में एज सोन एज यू एंटर इन टू फाइनल तो आपको ऑफिस आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है हाँ तो सुबह टेन टू सिक्स थर्टी सेवन आपको आर्टिकलशिप में यू एव टू वर्क एज अ नॉर्मल सी एंड उसके साथ आपको क्लासेस भी आ जाएंगे एंड उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी भी आ जाएगा तो इतना सब कुछ पढ़ना फिर एक दूसरा एक चैलेंज होता है मेन कि वो लूप में ना आना कि आपने एग्जाम दिया एंड शायद योर रिजल्ट वर नॉट पॉजिटिव एंड अगेन यू हैव टू गिव स्टडी द सेम थिंग अगेन 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 तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो लूप में फंस जाते हैं फिर दे कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन और वो सेम चीज़ पढ़ पढ़ के वो दे मतलब कॉम्प्लिकेट दे हो जाती है एक हाँ, exactly. चीज को आप बार बार कर रहे हो तो हाँ. ये होता ना एक बार में समझ में आ गया स्टडी कर लिया हाँ. फिर उसको आप दोबारा तो right हो हो इससे जैसे अब ठीक है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट से अगर उस लेवल की बात करें तो बारहवीं से निकले हैं ट्वेल्थ में यूजली होता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लो तो एटलीस्ट पास हो जाते हो इतना हाँ। डिफिकल्ट नहीं होता हाँ। लेकिन उसके बाद फिर अचानक ऐसे आप जोन में चले जाओ कि एक तो इतनी मोटी मोटी किताबें हाँ। उसके बाद पढ़ रहे हो आप उसके बाद पता चल अच्छा क्लियर नहीं हो रहा अच्छा सोसाइटी का प्रेशर होता है प्रेशर होता हाँ। है फैमिली वाले घर वाले और ये तो एक बहुत मतलब होता है ना टिपिकल कि शायद हो सकता है हमारे बर्थडे में हमें इतने कॉल्स ना आए लेकिन जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट होता है उस दिन सबको याद होता है कि इसका बर्थडे हाँ, होता है <laughs> तो हाँ, ये भी एक तो ना जिससे कहते हैं समाज का प्रेशर होता हाँ, है तो बहुत चीजें साथ में लेके चलते हैं हाँ, राइटली सर राइटली हंड्रेड परसेंट सी ए में भी वो सी में तो हमारा तो रूल ही ऐसा कि सीए स्टूडेंट्स को कभी सामने से फोन करना नहीं चाहिए अगर वो पास होने वाले तो फोन करेंगे ही हमें और दूसरा क्या होता है कि एवरीवन एल्स

देते हैं मतलब किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है किसी का दो तीन चार उसके बाद ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं मतलब हैव केसेस अभी तक नहीं हुआ या फिर आठ आठ अटेम्प्ट दे चुके हैं कितने आगा। आगा। ऐसे अलाउड होते हैं सब में

2014 इलेक्शन में चालू किया था तो 19 में जाके उनका खत्म हुआ ओके okay. जो आपने 60 इयर्स वाला बताया मुझे लग रहा है उन्होंने वो केव, वाले फाउंडर की कहानी सुन ली होगी <laughs> जिन्होंने पैंसठ साल में शुरू किया बटिया <laughs> ऑफकोर्स

कोविड के बाद सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया yes. और अचानक से द फुल वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड एज वेरी इजीली इसके पहले ना टीम्स मीटिंग्स ऑनलाइन ये वाज नॉट अ कंसेप्ट एट ऑल तो बैक देन uh, मेरा एक मेजर इशू ये था कि मैं बड़ोड़ा से हूँ सो वडोदरा में द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एट दैट पार जो बाकी सारे सिटीज में होते हैं और ऑनलाइन नहीं था एज आई साइड सो वो तो कभी ऑप्शन ही नहीं था कि उनका पेन ड्राइव लेके आप पढ़ लो या उनके वीडियो लेक्चर्स right. right. देख लो दैट वॉज नेवर एन ऑप्शन प्लस दी अदर पॉइंट वॉज की बुक्स एंड पब्लिकेशंस नेवर यूज़ टू रीच अस वो जो स्टोर्स में अवेलेबल होता है ऑफलाइन यहाँ पे लिमिटेड uh, तीन चार पब्लिकेशन का यू हैव टू परचेज़ दैम और एल्स यू हैव टू टेल्स टॉक टू समबडी कि आप बाई मुंबई रहते हो प्लीज़ वहाँ से आप परचेज करके कुरियर कर दो मैं सो so ये सारी चीज़ें वर क्वाइट डिफरेंट बैक दैन तो तभी मेरे को ना ये गेटिंग गुड पब्लिकेशन्स गेटिंग गुड नोट्स और लेक्चर्स वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड तो अगर मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊँ तो आई द फर्स्ट फाउंडेशन इल्फ थ्री टाइम्स कि अगर आप फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पा रहे तो देर इज नो चांस आगे कर पाओगे ये मतलब uh, जैसे फाउंडेशन इज द इजिएस्ट सबसे ईजी होता है और जब मैं दे रहा था तब पूरा एमसीक्यू बेस्ड एमसीक्यू तो थोड़ा रिटर्न भी हो गया है तो वो और इजी होता है एमसीक्यू में तो यू जस्ट टू सिलेक्ट दर समाउन समथिंग रॉन्ग तो आई फेल थ्री टाइम्स

आई एम फ्रॉम अ लेगेसीज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वन इज अ सी ए तो वो प्रेशर बहुत था सी ए बनना है एवरी वन वॉज लाइक आपके खून में मतलब खून में नहीं होता होता है पर पढ़ना तो पड़ता है तो दैट प्रेशर वॉज अ लॉट एंड मैं मुंबई में एनएम थी दैट इज कॉल्ड्री ऑफ सी एज नारी एस उसमें एवरी वन इज डूंग सी ए तो वो प्रेशर भी बहुत था कि एवरी वन इज कडिंग एंड You know, the pressure is one of thing course, to deal with. So, I think that was my main uh, thing. Uh, and uh, you, by the way, you are from uh, Mumbai originally. I am from Br Mumbai. I brought up I'm in Mumbai. Mumbai. Yes. Okay. So, in your case, if I talk about the exams like uh, Foundation, Intermediate, CA. Aap so, I luckily cleared everything in my first attempt. Okay.

सो एनी वेज जो जैसे आपके ग्रेट टू नो अबाउट योर जर्नीज आपका मतलब फाउंडेशन uh, में पहले आपने uh, दिए उसके बाद फिर आपने मतलब दो अटैम्प्ट तीन अटैम्प्ट हुए इसके राइट उसके बाद फिर आपने कर लिया और आपका तो तीनों में वन गो में हो गया था तो उसके बाद टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर वेंचर विथ सू ये आइडिया मतलब आपने कब ऐसा माइंड में आया कि यार इसका कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए विल टॉक अबाउट द कंपनी ऑफ कोर्स लेटर ऑन अभी तो हम मुझे yeah. बात करेंगे बट ये आइडिया ऐसे कैसे आए कि यू you नो know, ऐसा कोई वेंचर होना चाहिए या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द सी ए प्रिपरेशन राइट सो आई टेल यू सो जैसे ही आई एस के फाउंडेशन में आई रियलाइज दैट मटीरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यस वो पब्लिकेशन एंड गुड्स तो ये देन आई शिफ्ट टू बॉम्बे आ, मेरे इंटर और फाइनल की पढ़ाई के लिए टू तो गेट गुड कोचिंग और गुड okay. पब्लिकेशंस और फिर उधर एक दूसरा चैलेंज आया कि हमारे कैसे होता है कि छः महीने पहले बिफोर योर फाइनल एग्ज़ाम यू हैव टू लीव होती है आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है और uh, मैं हॉस्टल में पढ़ता था सो so, वो लीव में हॉस्टल में पढ़ाई इतना होता नहीं एवरीबडी एल्स इज दूसरे फील्ड्स के होते सारे तो सब मस्ती वस्ती करते, करते हैं yes. तो मैं घर आ गया था वापस कि वो छः महीने घर पर पढ़ के देन आई विल गिव माई एग्ज़ाम्स तो दैट टाइम वॉट द चैलेंजेस आई फेस वॉस कि हमारे कोर्स इज़ वेरी डायनामिक सी ए सो इट इज़ वेरी टू द पॉइंट जैसे ही एनवायरमेंट पोलिटिकल या ये अपने फाइनेंस एक्ट चेंजेस होते हैं इन द रियल वर्ल्ड हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है ओके सो अगर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई नोटिफिकेशन भी पास कर दिया कि जी एस टी में ये ये चेंजेस है और इनकम टैक्स में ये चेंज सो ऑल ऑफ दैट बिकम्स एप्लीकेबल टू आस तो छः महीने के पहले ऑल ऑफ़ दीज नोटिफिकेशन्स कम इन एंड एक सेट बनता है कि भाई इतने नोटिफिकेशन आर एप्लीकेबल टू योर एग्ज़ाम्स तो वो मेरे को मिल ही नहीं रहे थे कहीं से क्योंकि मैं यहाँ आ गया और यहाँ पे ऐसी इतनी नोट्स और अवेलेबल नहीं था तो आई हैड टू सेंड सम्बडी मुंबई में कि आप वहाँ से सारा कलेक्ट करके हमें कुरियर करिए फिर मैं वो कुरियर करके एक एक पढ़ता था और वो जब जब रिलीज़ होता है तो उतनी बार मेरे को आई हैव टू गो थ्रू द फुल प्रोसेस अगैन सो इट वॉज़ क्वाइट चैलेंजिंग तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वडोदरा इज़ नॉट दैट स्मॉलेस्ट सिटी देर आर मतलब वडोदरा ऐ टीयर टू सिटी और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ बाकी भी है जहाँ पर एजुकेशन वडोदरा से भी uh, कम इम्पॉर्टेंस जगह होती है सो so, वह, वहाँ वहाँ पर तो क्या होता होगा सो दैट्स वैन आई तभी एक थोड़ा सा आइडिया जैसे आया था कि वंस आई क्लियर सो आउंड डू समथिंग इन दिस फील्ड एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट सो अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो द फर्स्ट वेंचर दैट वी डिड इन विथ्स हू वॉज अ फेलियर हमारा आइडिया बेसिकली ये था कि वी आर गोइंग टू गेट नोट्स फ्रॉम एजुकेटर्स या ट्यूशन क्लासेज जिनके होते हैं उनके नोट्स हम ले के वी विल पुट इट अपन आर वेबसाइट एंड देन वील आर स्टूडेंट्स टू बाई इट तो जो मेरे को डिफिकल्टी पड़ी कि मुंबई से किसी को भेजना पड़ता था वो वेबसाइट से ही दे कैन चूज कि मुंबई के नोट्स से या दिल्ली के नोट्स से वट एवर दे आर कम्फर्टेबल विथ बट

नॉलेज तो बेसिकली हमारा फोकस काफी नॉलेज पे था एंड आई रियलाइज के is, uh, right. तो अगर तो बाकी सब हो जाता yes. right. okay, okay, yes. okay. है टू तो गेन नॉलेज और फिर उसको अप्लाई करना okay. so, uh, so it, so me, okay, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जब कोई पॉलिसी चेंज होता है मैं जस्ट एज इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड जैसे सपोज कोई कैलकुलेशन है अब उसमें कोई इतना परसेंटेज कुछ लगता है तो जब पॉलिसी चेंज होती है सपोज जी एस टी का परसेंटेज तो दैट इज क्वाइट फिक्स्ड बट ऐसे काफी चीजें होती है तो परसेंटेज भी चेंज हो जाती होगी कैलकुलेशन में जहाँ पे तो इसका एक एक लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो आप कोई फॉर द इनकम टैक्स रेट इफ यू नो के अभी नया स्कीम आया है 115 BAC में नाउ इट इज डिफॉल्ट स्कीम तो उसमें सारे रेट्स चेंज हो गए तो डैट थिंग इन स्टडिंग वो पूरा चेंज हो जाता है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो स्टूडेंट अभी पढ़ेगा एवरी थिंग इज चेंज पूरा टैक्स का सिलेबस ही चेंज हो गया ईच एंड एवरी आंसर इज चेंज सो थिंग्स लाइक दैट स्लैब रेट बदल गया रेट्स बदल गए रिबेट के रेट्स बदल गए वो दैट इज द वन ऑफ द मेन थिंग्स विच विल कम एंड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ओके सो इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू नो आंसर्स एमसी

और डिसाइड करते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है देन वी हैव अ कंटेंट टीम जो हमारा पूरा प्लान इम्प्लीमेंट करता है एंड आर मेन गोल इज़ कि ये सब अमेंडमेंट्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सब एवरी ईच एंड एवरी आंसर में करेक्ट होने चाहिए वंस दैट बुक इज रेडी हम लोग वो प्रूफ रीडिंग के लिए देते हैं टू अदर सी एस वंस दैट इज डन वी गिव इट टू अ सैम्पल टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे जो भी मिस्टेक्स आए वो वापस करेक्टिफाई करके देन वी पब्लिश ओके okay, तो ये सारा बैक एंड पे पूरा काम होता है पहले देयर आर सेवरल चेक्स फिर वेरीफाई yes. होता है हां फिर वो जैसे कोई अपडेट आया तो आपने दो तीन बार उसको वेरीफाई किया चेक किया कैलकुलेशन वगैरह जो भी आ, जो मेन वो जिसमें होता okay, है उनको ग्रेट ग्रेट सो कैन यू लाइक If, if so, उटोज uh, में तो basically, uh, हम लोग क्वेश्चन मैंग्स ज्यादा बनाते हैं फॉर स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर सके सो दीज आर एग्जाम ग्रेट क्वेश्चन मेटिकुलस मैनर जैसे इनका डिफिकल्टी लेवल ईजी टू डिफ़िकल्ट होता है तो पहले सारे ईजी क्वेश्चन फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फिर ऑल दीज क्वेश्चन आर डि डिवाइडेड टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तो वी एड इट कमेंट्स ऑल्सो कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं सो वॉट इज द वॉट परसेंटेज ऑफ पीपल मेक वॉट मिस्टेक्स तो मेजर मिस्टेक्स ये होती है स्टूडेंट्स की तो ये सब अगर आप वेन यू आर स्टडिंग यू रीड इट सो वो इम्प्रिंट हो जाता है तो जब एग्जाम में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है सो यू आर वेरी अवेयर कि ये मिस्टेक तो बाकी सब ने की थी तो ये मुझे नहीं करनी सो ऑल ऑफ दीज थिंगस वी लुक आफ्टर एंड देन हम लोग कलर कोड करते हैं बुक को सो बुक्स गेट प्रिंटेड इन कलर फॉर्मैट तो उससे क्या होता है कि वो जब सी ए में इतना मोटी मोटी बुक्स है फॉर सिक्स सिक्स सब्जेक्ट्स सेवन सेवन सब्जेक्ट्स तो वो ईजी हो जाता है टू रिमेंबर वो थोड़ा पढ़ना बेटर आता है द फील एंड एवरीथिंग सो दिस इज वॉट मेक्स आर बुक्स अ लिटल बेटर ये सारी छोटी छोटी चीज़ और ये

उट विज राइट राइट सो ओके एंड एज यू टोल्ड की जो क्वेश्चन होते हैं जो भी आप वेबसाइट पे वो ज़्यादा रहते हो विज होता है अगर सपोज करो इस हफ्ते इस महीने में कोई पॉलिसी चेंज हो गई सो वो आपके उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा हाँ वो सो हमारा ना वी सेल हैव टू ऑप्शन

That is actually one of our major. Uh, this what we provide is a bundle option as well, in which you can get the PDF and the book. Nobody else currently is giving that in the market. No one is giving the PDF. They either give the books or PDFs are very less actually. So that was one of our breakthrough things which we started, in which we even give an e-version to them, which they can study. But we have our own software, so it is um, like it's for safety purposes, so they cannot print it or things like that. Got it. ऑफ no, कोर्स ये तो एक अभी, अभी का एक नया तरीका है मतलब you know, through, version, e के करना काफी सब एवरी yes, पर टू बी ऑनेस उसमें ईजी भी बहुत है, uh -huh. you, like, small, small है जैसे नाउ इफ यू आर स्टडिंग अभी नौ सौ पेज की हमारी एवरेज बुक होती है आठ सौ नौ सौ पेज की उसमें आपको कुछ याद करके आपको याद आया कि ये मैंने कहीं पढ़ा था नाउ टू फाइन दैट इन देपर बुक इज वेरी डिफिकल्टॉर्स उसकी जगह पे आप कंप्यूटर में जाए कंट्रोल एफ करके आप वो सेक्शन नंबर डाल दो तो आपको तुरंत यू गेट द लिस्ट ये ये जगह पे इट हैज बीन इसका मेंशन हुआ है ये सेक्शन का यस सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स आप यू आर ऑन द गो आप फोन है आपके पास तो आप कभी भी पढ़ सकते हो आप आर्टिकल शिप के लिए ट्रैवल कर रहे हो आप घर पे हो यू आर ऑन अ वेकेशन एनीवेयर यू आर आप तभी पढ़ सकते हो इट इज़ वो तो इंपॉसिबल है इतनी सारी बुक्स का इतना हे, हेफ्टी वजन लेके जाना सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट एंड मतलब एक uh, जैसे स्मार्टफोन आपके पास है जो भी वो आईफोन एंड्रॉयड सो ऑफकोर्स पूरी दुनिया तो वैसे मोबाइल के अंदर आ चुकी है सो उस हिसाब से आप अपनी कंफर्ट पे अपडेट्स वगैरह हो या कुछ भी हो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो बुक वगैरह में राइट 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 एंड द इनिशियल स्टेज ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट कितने स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा आपको शेयर करना चाहोगे एनी केस स्टडी और हाउ मेनी पीपल आप पर दिस एनी स्पेसिफिक सो राइट नाउ हमारा साइकिल होता है फ्रॉम टू अटैम्प्टू अटैम्प्टूजअली जैसे एक सी का अटैम्प्ट हुआ उसके बाद रिजल्ट से लेके नेक्स्ट सी के अटैम्प्ट तक में हमारा साइकिल चलता रहता है सो ऑन एन एवरेज हमारे पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स आते हैं वो एनरोल विथ अस बिटवीन दिस साइकिल तो वी केटर टू ऑल दी स्टूडेंट्स और इनको इन्होंने कोई ना कोई दे कम टू अस फॉर एनी हेल्प तो हम वो कर देते हैं मतलब कभी कोई मेटोरशिप्स के लिए कोई पूछता है या तो फिर किसी को टेस्ट सीरीज़ चाहिए होती है या समबडी इज़ लुकिंग फॉर एनी रिसोर्सेज सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स होते हैं हमारे सो ऑन एवरेज ऑन एन एवरेज एंड ओके टॉकिंग अबाउट द इनिशियल जब आपने ये वेंचर शुरू किया सो रीचिंग आउट टू द टारगेट ऑडियंस तो ऑफकोर्स इट्स इट्स ऑन अ डिजिटल पोर्टल तो शुरुआत में आपने जस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कैसे ऑडिट यू स्टार्ट सो दैट्स अ वेरी फनी स्टोरी आई टेल यू सो so फर्स्ट ये जैसे मैंने आपको पहले बताया वी स्टार्टेड एज एन एग्रीगेटर कि कहीं से नोट्स लेके कहीं को बेचना है बट विद इन सिक्स मंथ्स वी फिगर्ड कि ये नहीं चल रहा है तब जाके वी रियलाइज कि टू गेट द स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड हमें खुद का कुछ होना चाहिए हमारे पास टू ऑफर देम समथिंग फिर एक बार स्टूडेंट्स आ गए फिर हम वापस क्लासेज वालों को लेके आ जाएंगे एडुकेटर्स को लेके आ जाएंगे सो दैट्स वैन वी स्टार्टड मेकिंग आर ओन क्वेश्चन बैक्स बट वो भी नहीं चला बिकॉज हु इज हुजेंट टू ट्रस्ट क्वेश्चन बैंक्स एस रैंडमली इफ एनी बडी इज गोइंट टू सेलेट राइट सो फर्स्ट वी गेव इट फॉर फ्री सो टेलीग्राम इफ यू यू नोट या सो टेलीग्राम इज़ अ व व वेरी बिग मीडियम जहाँ से स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं फॉर थाउजेंड्स थाउजेंड्स के सेवेंटी थाउजेंड एटी थाउजेंड स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं सो सार सर्कुलेटिंग आप पी डी एफ सो टू मेक पीपल अवेयर कि ऐसा कुछ है दिस इज हाउ वी आर एम ह्योर टू मेक योर सीयर जर्नी ईजी सो वो हमने पहले सर्कुलेट किया एंड देन मैंने मतलब आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड वन डे कि यार एक साल हो गया कुछ हो नहीं रहा है नो इज़ आस्किंग अबाउट अस कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा है कुछ नहीं सो so, मैंने रैंडमली एक पी डी एफ पे मैसेज लिख दिया कि अगर आपको इसका प्रिंट वर्जन चाहिए सो इट वॉज इट वॉज अ टू थ्री हंड्रेड पेज का बुक अगर आपको इसका प्रिंट वर्जन चाहिए हम बीस रुपये में आपको दे देंगे सो so, ये मैंने इसलिए किया मेरे को देखना था कितने लोग पी डी एफ देख तो रहे हैं कि नहीं देख रहे टू माई सरप्राइज़ वी हैड अराउंड थर्टी टू फोटी ऑर्डर्स द नेक्स्ट डे फ्राम जीरो we so, वी वन टू थर्टी ऑर्डर्स तो वो बीस बीस रुपये लेके वी डिलीवर भी किया हमने और वो बीस बीस रुपये लेके फिर हम आ, तब तो खैर वो बुक्स हमने स्टेशनरी शॉप से प्रिंट करवाई स्टेपल लगवाए नथिंग फैंसी अब तो प्रॉपर बुक्स आती है पर hmm. वैसे हमने देट्स ऑ वी स्टार्टेड दैन फॉर अबाउट टू ईयर्स जैसे हम लोग टेलीग्राम पर ही मार्केटिंग करते थे ज़्यादातर ओकेग्राम मार्केटिंग ये और उस टाइम उसकी उस टाइम उस पर वेबसाइट आपकी

Yeah. क्योंकि स्टूडेंट बेस उधर ज्यादा है, है। yeah. और टेलीग्राम नॉट जस्ट फॉर

आपको पूरा नॉलेज बैंक ही है सब नॉलेज yes. सब कुछ मिलता yeah. है सिंपल वेरी इजी आपको गूगल पे सर्च करने से बेटर है उधर आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा सब मिल जाएगा सब, सब जारे। कुछ सो क्वाइट इंटरेस्टिंग द टेलीग्राम से शुरुआत हुई अब तो धीरे-धीरे करके अब तो मैंने इनफैक्ट uh, मैंने खुद बिकॉज़ यू नो बिफोर वी प्लान फॉर दिस एपिसोड मैं वेबसाइट पे चला गया बट मुझे शायद ऑफ कोर्स वी आर लाइनिंग अप सो मेनी पॉडकास्ट एपिसोड्स बट मुझे इसका रिमाइंडर जरूर आया था था ये पॉडकास्ट <laughs> तो करना ही करना है क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मुझे आप, आपकी या तो आपकी वीडियो है आपकी वीडियो <laughs> या फिर आपका कोई वेबिनार जिसके <laughs> आप <आपका>, अपने <laughs> <सर्थ> <laughs> के साथ yes. कर रहे होंगे वो मुझे दिख जाता था तो इसका तो मुझे था यार कि भाई मैं कर लेता हूँ उसके तो बाद में अपनी कुकीज क्लियर करूंगा पहले ये पॉडकास्ट कर लेते हैं

मटीरियल मटीरियल ओके ओके तो इससे क्या होता है कि वी आर मेन गोल इज राइट नाउ क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं दैट शुड बी वेरी गुड सो वी ट्राई अप विद इंस्टीट्यूशन काफी बार क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास रिसोर्स नहीं होते दे डोट है टाइम एंड एनर्जी to make a proper book yes पूरा research करके और वो time टाइम हाँ, इवन दो दे हैव 400 500 स्टूडेंट्स पर वो उनके पास इतना टाइम और एफर्ट्स नहीं दे आर वेरी गुड इन teaching दे आर एक्सीलेंट इन teaching पर वो books बनाने में उतना time because मैंने जैसे पता है वो uh, uh, amendments इतने uh, changes इतने फ्रीक्वेंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हां इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो हम लोग टाई अप्स करते हैं उनके साथ एंड वी हेल्प देम मेक देयर ओन बुक यस सो मेकिंग श्योर कि आपका स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सबको बराबर से बुक्स और नॉलेज मिले उनके साइड कोई हैम्पर ना हो सो आर वन वन ऑफ द मोटिव इज दैट कि वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि वी टाइप विद्स मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया और अभी हमारे पास वी टाइप विद 40 टू 45 ऑर्गेनाइजेशंस ओके कैन यू जस्ट एलैबोरेट लाइक व्हाट ऑल सिटीज लाइक सो आर सबसे ज्यादा हमारा जाता है वो है मुंबई एंड पुणे ओके मुंबई पुणे एंड देन वी हैव नाशिक कर्नाटक अरनाकुलम वाराणसी दिल्ली नागपुर मदुरई मदुरई पूरा पैन इंडिया एंड स्ट्रॉग होल्ड हमारा साउथ इंडिया oh, में ज्यादा है सबसे ज्यादा पे बुक्स एंड बोथ दोनों में सो so इट ये वर्कआउट ही ऐसे किया कि बुक्स पहले गई के क्लासेस हमारे पास सामने से आने लगे इफ यू नीड हेल्प इन मेकिंग बुक्स तो आप हमारे साथ कुछ कर सकते हो टाइप वाइप कुछ सो दैटेड इटकोर्स वी कैन हेल्प यू मेक बुक्स तो देन वी स्टार्टेड डूइंग दैट क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो क्लासेस में जाते हैं वो फिर हमारी बुक लेके जाते हैं कि सर ये बहुत अच्छी बुक है आप देखिए एक बार

सो दैट्स तो वो हमारा वन ऑफ माई मेन प्लान है कि वो टू टाई विथ मोर इंस्टीट्यूशन एंड रीच टू अ वाइडर ऑडियंस देन अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वी आई वॉन्ट टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ से ये सी ए जर्नी एकदम ईजी हो जाए ये जो अभी जो एक होता है ना डर स्टूडेंट्स में कि यार सी ए है तो इतने घंटे बैठ पाऊँगा इतना पढ़ना है तो ये होगा कि नहीं मेरे से ये हर एक स्टूडेंट के डाउट आता ही है और अगर आप कभी देखो कि कोई स्टूडेंट अगर कोई बच्चा बोल रहा है अपने पेरेंट्स को तो पेरेंट्स भी सामने पूछ लेते थे एक बार भाई इसमें बारह बारह घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा तू तू कर पाएगा कि नहीं ये सोच ले सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेरे को ये थोड़ा इसको कम करना simplify है सिम्पलीफाई करना, करना है करना है सो इसमें देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गो जैसे काफ़ी लोगों को क्या होता है कि उनका कंसेप्ट सही होते हैं बट दे डोंट हैव द राइट अप्रोच दिस इज़ वॉट हैपन टू मी वैन आई गिव थ्री फाउंडेशन एग्जाम्स माई कंसेप्टर वेरी स्ट्रॉन्ग बट माई अप्रोच ऑज वेरी रॉन्ग

सो so, हमारे पास वी हैव अलॉट ऑफ मेन्टोज पैन इंडिया लेवल पे होते हैं तो वो हम हमको दे शेयर एंड एंड वी डायरेक्टली मेक दैम इन टच विद द स्टूडेंट्स ओके सो डिपेंडिंग जोग्राफिकल लोकेशन कोई साउथ इंडिया से स्टूडेंट है तो वो साउथ इंडियन साउथ इंडिया से ही कोई मैंटोज है हमारे पास तो वी मेक दैम इन टच तो क्या होता है कि वो उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज में कम्फर्ट yes, बैठ तो जाता है।, है और आजकल एक और चीज़ है सी के तो वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं बट आजकल

ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइक ओके फॉर वी इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स अभी अभी के लिए जैसे सी एफकॉर्स आपके एक्सपर्टीज़ है आपने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इस आइडिया को लेके आया यू हैिशिएट यू डूंग ग्रेट वर्क एनी अदर फाउंड आई विल नॉट सी फाउंडेशन एनी अदर स्पेशन यू वॉन्ट टू डाइवर्सिफाईन द फ्यूचर अभी सिर्फ सी का ही प्लान है नहीं नहीं हमारा प्लान तो

पहले सी के सारे क्वेश्चन uh, को एड्रेस कर ले सारे डाउट्स को एक बार एड्रेस कर ले स्टूडेंट्स को एक बार uh, जितना हो सकता है उतना हम हेल्प कर दे कि उनके लिए सी ए इजी हो जाए द कोर्स कम्पलीटली एंड देन वी कैन मूव ऑन टू सी एम एंड सी एस अच्छा मतलब ऑफकोर्स एज यू एज यू टोल्ड कि कॉमर्स में जो ये डिविजन होते हैं बिकॉज सी वर्ड ऑफ माउथ और स्टूडेंट्स ऐसी चीज है कि कल आपको हो सकता है बी टेक वाले एम बी ए वाले भी कॉल हाँ हंड्रेड परसेंट सो ये इस तरह से चलता है सो so डेफिनेटली नहीं नई टेल यू सो ये आप जैसे बीटेक आपने जैसे बताया सो so हमारा एज आई सेड हमारा मेन गोल वाज नॉलेज आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन नॉलेज सो वी स्टार्टेड हमने एक नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था एक वेरी बेसिक प्रॉब्लम है विथ नो इज एड्रेसिंग राइट नो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई कि आप अगर बी जैसा कोई कोर्स है विच इज़ अ वेरी जेनरिक कोर्स बी हो गया या तो फिर बी ए ऑनर्स हो गया या बी ए आर्ट्स हो गया दिस दीज कोर्सेज आर और सबसे ज़्यादा कोर्सेज़ यही होते हैं इंडिया में लोग यही कोर्सेज़ करते हैं सबसे ज़्यादा अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो तो ये कोर्सेज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग है अगर आप श्रीराम कॉलेज से अगर आपने बी किया है और अगर आपने वडोदरा के एम एस यू से कॉलेज बी कॉम किया है सो अगर आप बी कॉम होने के बाद जो पे ग्रेड आपको मिलता है द डिफरेंस इन नॉलेज दैट यू हैव इज़ ड्रास्टिक शायद वडोदरा से बी कॉम वाले स्टूडेंट्स को तो शायद इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इवन लैंड और गेट अ जॉब जबकि आप दिल्ली में अगर एस आर सी सी से आए तो फिर कहीं से आप कर रहे हो तो आपको थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड का तो पर मंथ का पैकेज इजीली मिल, मिल वाँ सकता वाँ। है सो आर पॉइंट वाज के इतना वेरिएशन क्यों जब कोर्सेस सेम है इंडिया इज बोथ इन इंडिया तो वाइज देयर अ डिफरेंस तो वी स्टार्टेड मेकिंग नोट्स फॉर बी कॉम ऑल्सो और हम लोग ने सिटी सिटी में जाके हमने डेटा uh, निकाला कि ये लोग पढ़ते कैसे तो आप देखोगे तो काफ़ी कोर्सेज़ इंडिया में अभी भी वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप कॉलेज के बाहर एक जेरोक्स सेंटर होता है उधर जाके आपने बोला सेम वन का मटेरियल दो तो वो रेडी होता है वो पूरा थप्पा निकल के आपको दे देंगे और उसमें होता क्या है तो वो नोट्स पुराने नोट्स का ज़ेराक्स कोई प्रोफेसर ने कुछ लिख के दिया है उसका जेरोक्स वो चार साल से वही जेरोक्स जेरोक्स जेराक्स चलता ही आ रहा है चलता ही आ रहा है सो वी वॉन्टेड टू चेंज दैट कि उसको बेटर फॉर्मेट में क्यों हम बुक बना के नहीं वी कैन गिव टू स्टूडेंट्स उनसे नॉलेज बढ़े पढ़ाई का बेटर हो तो so, हमने वो भी चालू किया था बट सैडली वो इट डिड नॉट टर्न आउट एज वेल एज वी एक्सपेक्टेड इट टू बी पर मेरा अभी भी आई एम येट इन वेरी हाई होप्स के वो आगे जाके आई वॉन्ट टू डू दैट आई टू केटर टू दिस प्रॉब्लम के ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए पैरिटी नहीं होना चाहिए इतना सारा अगर आप एक ही कोर्स अलग अलग जगह से कर रहे हो तो इतना सारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए नॉलेज like जो है in terms of uniformity and, uh, हाँ. ओके फाइन फाइन सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव सी ए में तो चलो आपका आपने बढ़िया इसको इलाबरेट किया एंड यू डूंगज लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और बाकी सब्जेक्ट्स में लेट्स ही बाकी मतलब स्पेशलाइजेशन में एंड विशू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड फाइनली इट वॉज ग्रेट टू हैव यू ऑन द स्पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरक्ट करके डू नो अबाउट योर जर्नी योर इनिशियेटिव एंड अगेन फाइनली विशू ऑल द बेस्ट एंड थैंक लॉड थैंक यू सो मच थैंक यू